काल से निकाले जाने के बाद गाजियाबाद में मेहनत मजदूरी कर एक महिला कर रही है अपने बच्चों का पालन पोषण। नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप 18 न्यूज़। मैं मोहसिन खान। आज हम एक पीड़ित महिला से मिले हैं और इस पीड़ित महिला का नाम साबिया है, जिनकी शादी 13 साल पहले बिहार में हुई थी और उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और वो 3 साल से अपने 3 बच्चों का अब मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण कर रही हैं। आइए बात करते हैं साबिया, क्या नाम है आपका? साबिया परवीन। तो साबिया, क्या परेशानी है आपको? ससुराल में क्या परेशानी रहती है, मारती है पीटती है ससुराल वाले, सौसुर ननद दियाद देवरानी। कितने साल हुए आपकी शादी को? 13 साल। क्या नाम है आपके पति का? अली राजन। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे सऊदी में, बाजी से लेकर के दिए पैसा कि दे देंगे, पैसा ले जा करके देते हैं सऊदी जाएंगे तो दे देंगे, किसी का भी पैसा भी ना दिए, ना हमें खाना खर्चा भी दिए, अपने अबू के सारा पैसा रिकॉर्ड में देते थे। तो आपको क्या परेशानी थी वहाँ पर? सब मारते थे पीटते थे, गंदी नजर रखते थे देवर कौन कौन गंदी नजर रखते थे? शहजादे फिरोज, उनका अबू सलाम खान शहजादे फिरोज। या आपके देवर जो आपके ऊपर गंदी नजर रखते थे, जी तो आपने शिकायत की इसकी पति से या ससुर से? शिकायत की है, एक मरते भी आया फिर शिकायत की है कि तुम्हारे अबू तुम्हारे भाई से ऐसे ऐसे करते हैं, तो बोले करना है तो करने दो, हम तुम्हारा रहेदार नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, अपना कमा करके खाओ, हमारा खाना उना सब बंद कर दिए, हम बहुत परेशान मांग करके खाने लगे, जहाँ पे जाते थे वहाँ पे सबको मनाही कर देते थे कि वो औरत को नहीं रखने दो बच्चे लोग को। वक्त आप कैसे इन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं? गाजियाबाद में हम कमा करके खा रहे हैं, बच्चा लोग को परवरिश कर रहे हैं, आप अब बोलते कि हम रख भी नहीं करेंगे, बोलते उनका अब बोलते थे बार बार कि हमारा लड़का आएगा तो तलाक दिलवा देंगे, पैसा इतना दिए फिर भी बोल रहा है कि आड़ लेकर के आओ, पैसा नहीं दोगे तो तुम्हें मार देंगे जला कर। क्या चाहती हैं इसमें? हम प्रशासन से ही चाहते हैं कि हमारा इंसाफ करे, पुलिस से हम चाहते हैं कि हमारा इंसाफ चाहे, सरकार को भी कहते हैं कि हमारा इंसाफ करे, यही चाहते हैं। देखिए, ये साबिया खातून है जो बिहार में तकरीबन 12 या 13 साल पहले शादी हुई थी और आपने इनकी आप बीती सुनी है, ये गुहार लगा रही है कि इंसाफ हो इनके बच्चों के लिए, इंसाफ हो इनके लिए, इंसाफ हो और इस पे कड़ी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई हो। अब इसमें देखते हैं आला अधिकारी पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेता है। मैं टॉप इंडिया में टॉप 18 न्यूज़।